नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज की सबसे बड़ी खबर, बागेश्वर धाम में पार्किंग के लिए घर तोड़ने का आरोप। गुस्साए लोगों का कलेक्ट्रेट में हंगामा, बोले पुलिस ने हमें बेरहमी से पीटा। बता दें कि बागेश्वर धाम के ग्रामीणों ने छतरपुर कलेक्ट्रेट में हंगामा कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बागेश्वर धाम में पार्किंग के लिए हमारे घरों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जा रहा है। वहीं एक महिला का आरोप है कि घर तोड़ने से रोकने पर पुलिस ने बाल पकड़कर खींचा। बता दें कि छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बसे गड़ा गांव में बागेश्वर धाम स्थित है। यहां रोजाना लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भक्तों की भीड़ के कारण यहां पार्किंग में परेशानी आ रही है, इसलिए प्रशासन ने हमारे घरों पर बुलडोजर चला दिया, हमें बेघर कर दिया। वहीं प्रशासन ने लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाया, इससे नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन किया। इसके बाद उन्होंने छत्रसाल चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। इससे काफी समय तक ट्रैफिक जाम रहा। सूचना मिलते ही टीआई धन सिंह नलवाया और सीएसपी लोकेंद्र सिंह चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को खूब समझाया और आखिर में बड़े जतन के बाद उन्होंने ग्रामीणों को चौराहे से हटाया। प्रदर्शन कर रही एक महिला ने बताया कि पिछले 2-3 सालों से बहुत परेशान हो गए हैं, अब हमारे घर गिराए जा रहे हैं। भक्तों के रुकने के लिए जगह चाहिए, गाड़ी के लिए जगह चाहिए, इसलिए हमारा घर गिराया गया। मैं अपने घर बचाने के लिए मशीन के सामने खड़ी हो गई, तभी एक महिला पुलिस कर्मी आई, उसने मेरे बाल पकड़े और खींच ले गई। मेरी साड़ी खुल गई थी। वह मेरा ससुराल है, वहाँ इतने लोग खड़े थे, पूरा गांव मुझे देख रहा था। मेरी दोनों बेटियां भी बिलख रही थी, घर ने तोड़ने के लिए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वे नहीं माने, उन्होंने घर तोड़ दिया। हमारे पति को भी थाने ले गए, उन्होंने मोबाइल भी छीन लिया था, इसलिए अब हम ना वीडियो बना पाए ना कुछ ही कर पाए, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं एक दूसरी महिला ने कहा कि हम गड़ा गांव के रहने वाले हैं, बिना किसी नोटिस के हमारे घर तोड़ दिए गए, हम बेघर हो गए, इस कड़ाके की ठंड में अब हम कहां जाए, कुछ नहीं पता। एसडीएम साहब की शिकायत करने पर कलेक्ट्रेट आए हैं, यहां कहा गया कि जांच करेंगे, अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस वाले भी हमारी शिकायत नहीं सुनते। एक ग्रामीण ने कहा कि प्रशासन कह रहा है कि हमारा घर सरकारी जमीन पर बना है, ऐसा तो नहीं है कि हमने घर 2-3 साल पहले बनवाया है, 50 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, पहले कोई दिक्कत नहीं थी, अब अचानक हमारी जमीन सरकारी हो गई। डिप्टी कलेक्टर पीयूष भट्ट ने बताया कि गड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए उस पर रोक लगाई जाए। हमें आज ज्ञापन मिला है, सरपंच कहते हैं, हम गांव के सरपंच हैं और हमें तक मालूम नहीं होता कि गांव में क्या हो रहा है और क्या नहीं। गांव में मशीन लेकर आते हैं और मकान गिराने लगते हैं। हम लोगों को आधा घंटे क्या 5 मिनट का भी समय नहीं दिया जाता कि खाने पीने तक का सामान उठा सके, वे कुछ नहीं बताते, बस बुलडोजर लेकर आते हैं और तानाशाही करने लगते हैं। अब देखना यह होगा कि बागेश्वर धाम पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।